जल्दी उसको बहुत अच्छा सीखने को मिला है, मतलब ही हैज गॉट दी अर्ली रिकॉग्निशन, या फिर एग्जाम ज्यादा दिए, या फिर सीखा बहुत है उसने। यस वन लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस इन आर्ट. वो कहां से आया है, बिकॉज़ ऑफ द डिजिटल थिंग और नो 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 सर, एक तो ये है, अभी इसमें थोड़ा ज़ूम करता हूं, ये पहले ये बताओ कि किसका है, गिफ्ट मिला था मॉम को, ठीक है ओके, पहनते नहीं है रेगुलरली, सिर्फ पार्टी वार्टी कहीं घूमने गए तो कभी कभी पहनते हैं, ओके नहीं तो, पर ये मॉम पसंद नहीं करेगी तुम्हारी ये वॉच, इनको पसंद नहीं आएगा, आई थिंक दैट्स व्हाई ही पहनती नहीं है, हाँ बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें, एग्जैक्टली हाँ, तो ये बहुत ही रेयरली पहनते हैं, वो भी अभी दिया है गिफ्ट, थोड़ा लगता है तो इसलिए पहन लेते हैं, अदरवाइज शी डजंट वेयर दिस, और जिनसे जिनसे गिफ्ट मिला है ना उनसे और द प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप खराब भी हो गया इनके, हाँ करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, वैसे किसी का रहेगा तो जस्ट कंफर्म इट ओके कि मेरे पास ऐसा है तो फिर वो स्टोरी भी आ जाएगा उसके साथ। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, मैं यूजुअली दो वॉचेस पहनता हूँ, लेफ्ट में मैं वो रिस्ट बैंड पहनता हूँ ताकि क्या है व्हाट एवर फोन कॉल कम्स ना आई कैन जस्ट यू नो रिसीव और आई कैन कम टू नो दैट कॉल नोटिफिकेशन, एंड द राइट वन आई यूजुअली सी द टाइम, तो मतलब डज दैट मेक एनी डिफरेंस या दोनों को एक कर देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ अभी रिस्ट बैंड जो है वो लेफ्ट पे पहन रहे हो ना तुम, और जो नॉर्मल वॉच किस तरह का एनालॉग है? नहीं सर डिजिटल वॉच है, ब्लैक डिजिटल, दोनों तरफ डिजिटल ही है मतलब? हाँ हाँ ये पुराना डिजिटल है, मतलब वो जो पहले का आता था ना 10 इयर्स बैक, स्मार्ट वॉच नहीं है, स्मार्ट नहीं है, ओल्ड डिजिटल, ओके गॉट इट गॉट, तो इसका ऐसा हो रहा है कि यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विथ हाई स्टेटस लेडीज और हाई स्टेटस गर्ल्स, मतलब जो नहीं क्या थोड़ा सा स्टाइलिश रहते हैं, समझ गए ना तुम? हाँ जी बिल्कुल, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, ट्रू आल्सो, ट्रू ही रहने वाला है, हाँ जी, तो हाँ तो ये होता है इसमें, एक तो डिजिट सही नहीं, हाँ हाँ वेरी नाइस, बट देन सर इसमें जो ये बना है चश्मा मूंछ वगैरह इसका सर क्या कर सकते लाइक अगर ये किसका है भाई का है क्या? ये भी गिफ्ट टाइप ही मिला था, मतलब हमने खरीदा नहीं है, पर तुम्हारा भाई पहनता है, ज्यादा पहनता है इसको? नॉट रेगुलरली सर, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, पर वो पहनता है, इसको पसंद है ना ये वॉच? हाँ पसंद है, सो इट्स लाइक दिस पर्सन यू नो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी बॉस विदाउट गेटिंग द रिकॉग्निशन, मतलब ये पर्दे के पीछे रह के काम करने में पसंद करता है। ओके हाँ, तो योर यू नो जैसे मम्मी का काम करके दे दिया, तुम्हारा काम करके दे दिया, एंड डजंट नो एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, ही जस्ट विल वर्क एंड ही विल डू दिस स्टफ, है ना, जैसे जो अपना कंपनी रन कर रहा है ये कर रहा है, तो उसका ज्यादा ये बोल वाला नहीं करेगा, लोगों को बताएगा नहीं कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बट ही वॉन्ट्स टू बी द अथॉरिटी ऑल द टाइम, ओके ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट इन द व्हाट ही डज, सबसे जो भी कर रहा है उसमें अच्छा है, लेकिन वो बताना भी नहीं चाहता लोगों की मैं अच्छा हूँ, तुम खाली रिकॉग्नाइज करो कि मैं अच्छा हूँ, am I right or wrong? Yes, sir. Totally right. वो इसका नहीं है।